हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। बच्चों, हमारा लेसन चल रहा था जिसका नाम था हाउ योगा हील्स। देखिए, लेसन था हमारा इंडियाज़ गिफ्ट द वर्ल्ड में हाउ योगा हील्स। ये लेसन हमारा चल रहा था। हमने इसका एक पेज इसमें पढ़ लिया, दो पेज का चैप्टर है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने कार्टिसोल नाम का हार्मोन था उसके बारे में जाना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके बारे में जाना। इसमें कई बीमारियों के बारे में बताया गया है, कई इलाजेस बताए गए हैं। अब इसमें आगे जो है बच्चों, हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या दे रखा है और आगे जाकर के, ठीक है। तो इसमें एक सिस्टम बताया था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वही चीज़ को लेकर के हम आगे चैप्टर में बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है चैप्टर के अंदर। तो आप भी जो है लाइन टू लाइन जो है देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र जो इसको बोला गया है, कौन सा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको बोला गया है स्नायु तंत्र जो चलता है, जब ये एक्टिवेटेड हो जाता है यानी कि सक्रिय रहता है, लोअर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पायरेशन, जिसमें क्या काम करेगा ये, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे जो क्या है, लोअर ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च निम्न रक्तचाप, हार्ट रेट, क्या चीज़, हृदय की धड़कनें, और रेस्पायरेशन बच्चों होती है सांस की गति को, सांस की गति, द पीस ऑफ द ब्रीथ, पेस ऑफ द ब्रीथ, यानी सांस की गति को क्या करता है ये, कम कर देता है। यानी लोअर ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, हमारी हार्ट रेट को कम कर देगा, और जो सांस की गति है उसको कम कर देता है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। अब इसमें क्या हो जाता है कि हमारा जो डाइजेशन है यानी कि पाचन शक्ति, और एलिमिनेशन हम सारे मल निष्कासन जो क्रिया है वो भी क्या होते हैं, आर अलाउड टू स्टिमुलेटेड, इसको भी क्या कर देता है, उत्तेजित, स्टिमुलेटेड तेज करना, उत्तेजित करना, यानी इसको उत्तेजित कर देता है। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू डाइजेस्टिव, और जो हमारे शरीर में जो रक्त का संचार होता है, ये क्या क्या रक्त को कहाँ कहाँ तक पहुँचाता है ये देखिए, डाइजेस्टिव पाचन में, और रिप्रोडक्टिव इसको बोलते हैं पुनर्उत्पादक, इसको रिप्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पादन पुनरुत्पादक। और ये कौन सा है बच्चों, ग्लैंडुलर क्या होते हैं बच्चों, ग्रंथि होती है, और इम्यून सिस्टम, और हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वहाँ तक क्या कर देता है, हमारे शरीर में रक्त का संचार कर देता है, ठीक है। सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। अब ये सिस्टम क्या होता है, तंत्र जो चलता है, ये लंबे समय के लिए हमारे शरीर को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात चल रही है। द रिलैक्सेंस रेस्पॉन्स, अब यही वही चीज़ है, रिलैक्सेंस रेस्पॉन्स जो हमारे शरीर को आराम पहुँचाने वाली ग्रंथियाँ, इज ऑल्सो नॉन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। क्या होती है, रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, रेस्ट यानी आराम करना, रिन्यू फिर ताज़ा हो जाना, ऐसी स्थिति जो इसको नाम कई नामों से जाना गया है, फाइट एंड फ्लाइट भी था, ठीक है, पहले हमने देखा था। व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम एंड रिसोर्सेज टू हील द बॉडी, तो क्या होता है, शरीर को खुद को क्या मिलता है, स्रोत मिल जाता है खुद का ही, क्या करने में, हील करने में, इलाज करने में, मतलब खुद का इलाज करने के लिए शरीर को जो है ताकत मिल जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, वो भी किस चीज़ में, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और जो हमारी बीमारियां जो होती है, कमजोरियां जो होती है, वो भी उनको दूर कर देता है, उनसे लड़ने की शक्ति हमें मिल जाती है। ऑब्वियसली अब स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता की बात चल रही है, फ्रीक्वेंसी जो चलती है, ये श्रृंखला जो चलती है, बार बार चलती रहती है, इसका भरना, इंक्रीजिंग जो होती है, टाइम एंड डेप्थ आर रिलैक्सेंस रेस्पॉन्सेज। रिलैक्सेंस रेस्पॉन्स आप सभी जानते हैं, पहले भी हमने देखा है, आराम पहुंचाने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं उन्हीं के लिए बोला गया है, यानी कि जिसको हम शुद्ध भाषा में क्या कहें, शिथिलीकरण, ठीक है। वी नॉट ओनली अलाउ टू अवर बॉडी टू रिकवर, बल्कि हम ऐसा ही नहीं करते कि हमारे शरीर को रिकवर कर ले, किससे, फ्रॉम इलनेस, बीमारी से, ऐसा ही नहीं होता कि शरीर से हमारी बीमारी को ही दूर करते हैं, बल्कि डिजीजेज, इलनेस डिजीज, बट ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय अलाउिंग द बॉडी परफॉर्म, बल्कि हम जो दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जो औषधियाँ लेते हैं अब बचाव के लिए, वो भी क्या करते हैं, हमारे शरीर में अच्छे से काम कर जाती है। एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, जहाँ आवश्यक रूप से जहाँ पर इसका कार्य करना होता है, वो कार्य पूरा करने का मौका
इन हॉर्मोन्स की वजह से मिल जाता है। समझ में आ गया यहाँ पर, मतलब बात बताएगी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की मात्रा, हमारे शरीर के हार्ट रेट और हमारे शरीर में जो है सांसों गति को कम करता है जो बढ़ जाती है उनको, और हमारे शरीर में होने वाला पाचन और मल निष्कासन क्रियाओं को सही तरीके से बनाता है, नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर बता दिया, डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इम्यून सिस्टम को, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है और हमें इस लायक बना देता है कि हम आने वाले समय किसी प्रकार की बीमारी का शिकार नहीं होते हैं, और जो मेडिसिन हम लेते हैं वो मेडिसिन हमारे शरीर में पूरी तरह से काम कर देती है। समझ में आ गया अब तो? ठीक है, अब चलते हैं, बात चली थी हाउ योगा हील्स की, तो बच्चों योगा का नाम अब आया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या, योगा एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म, योगा यानी आप सभी जानते हैं योगा जो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, इम्यूनिटी पावर इस टाइम तो बहुत ज़्यादा जरूरत है हम सभी को ही। लॉन्ग डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्सियस रिलैक्सेंस एक्टिवेट द पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रोमोट्स स्ट्रेस एंड रिलीफ फंक्शंस। अब योगा क्या करता है, एक लंबे पहलू की बात करते हैं कि योगा जो है दबाव डालता है, कैसे, डीप ब्रीदिंग गहरी सांसें, कॉन्सियस रिलैक्सेंस एक्टिवेट, और हमारे अंदर जो कॉन्सियस होती है हमारी चेतनाएं जो होती है हमारे अंदर की, उसमें फैलने होने वाली क्या श्वसन क्रिया शिथिलता जो बताई गई है, द पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो किसको तैयार करता है, जो जोर डालता है किसके ऊपर, बल डालता है किसपे, वही संवेदनशील स्नायु तंत्र के ऊपर जोर डालता है, प्रोमोट्स और उसे तैयार करता है इस रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन कि वो अपना कार्य जो है सही सुचारू रूप से करता रहे, हमें ताज़ा तरोताज़ा फिर से नया बनाता रहे। इनफैक्ट वास्तव में द रिसेंट स्टडी हैज शॉन, हाल ही के अध्ययन से पता लगा है क्या, योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हॉर्मोन कॉर्टिसोल इन द ब्लड, कि हमारे शरीर में जो कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स होता है उसके दबाव को क्या करता है, कम कर देता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस, और जब हम कोई ध्यान लगाते हैं प्राणायाम करते हैं जो अभ्यास करते हैं ऑफ योगा, योगा के हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर एंड लेसन टू इंटेंसिटी ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्सेज। तो ये भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, योगा जो है क्या कर रहा है, कम करता है किस चीज़ को, हमारे शरीर में होने वाला रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड ऑफ स्ट्रेसर, जो जिम्मेदार तत्व होते हैं हमारे शरीर में तनाव डालने वाले उनको क्या करता है, टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्सेज, क्या करता है अंदर ही अंदर उनको इस तरह से लड़ो या भाग जाओ प्रतिक्रिया जो चलती है हमारे शरीर में उस प्रतिक्रिया को क्या करता है, कम करता है। योगा ऑल्सो टीचेज, योगा में यह भी बताता है सिखाता है टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर, जो हमारे महत्वपूर्ण जो पोटेंशियल स्ट्रेसर चलते हैं हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो संभावित तनाव जो होते हैं, ए चैलेंज रेदर देन थ्रीट्स, जो एक चुनौतीपूर्ण होते हैं किससे, तो थ्रीट बिल्कुल आपदा आने वाली परेशानी जो है उनसे, इनेबलिंग वन टू अवॉइड टू स्ट्रेसर रेस्पॉन्स एंटायरली, उससे क्या करता है पूरी तरह से हमें इस योग्य बना देता है कि हम हमारे शरीर में होने वाले तनाव को दूर कर दें और पूरी तरह से इस तनाव से हम बच निकले, इस योग्य हमें बना देता है। तो योगा की बात यहाँ पर चली है बच्चों, ठीक है आगे देखते हैं। नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब देखो क्या नहीं करता योगा, केवल यही नहीं है कि इस योग्य बनाता है एक्टिवेट, जो कौन थे हमारे शरीर में एक्टिवेट जो हैं पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले उनको रिड्यूस, वो संवेदनशील जो तंत्र होता है रिड्यूस स्ट्रेस, बल्कि स्ट्रेस को ही कम नहीं करता, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, बल्कि शरीर को इस प्रकार तैयार करता है कि शरीर खुद का इलाज करता है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज ऑल्सो इम्प्रूव द बॉडी इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी, मतलब आंतरिक रूप से हमारे शरीर को ऐसा तैयार करता है कि अंदर की योग्यता हमारे शरीर की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और योगा से हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो तैयार हो जाता है। द इन्वर्टिंग ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग, अब आप जब जानते हैं इन्वर्टिंग क्या होता है, शरीर का इन्वर्ट होता है अंदर ही अंदर, यानी कि शरीर का सिकुड़ना, ट्विस्टिंग होता है शरीर का मोड़ना, ऐठन जिसको बोल सकते हैं, एंड कंप्रेसिंग और शरीर के ऊपर दबाव डालना। द अकर इन योगा पोस्चर्स एनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, ये क्या करते हैं जो हम पोस्चर्स तैयार करते हैं ना, मुद्राएं बनाते हैं इस प्रकार के शरीर को मोड़ना मरोड़ने जैसी प्रक्रिया, तो इसमें हमारे शरीर का जो सर्कुलेशन चलता है संचरण जो चलता है ना वो क्या करता है शरीर में पूरी जगह जो फ्लूइड यानी कि जिसकी शरीर रक्त को जो है पूरी शरीर में पहुंचाने का काम करता है। द
द इंक्रीज द सर्कुलेशन इज नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी, क्या ऐसा ही नहीं कि सर्कुलेशन जो चलता है हमारे शरीर को तैयार करता है किसी ओके टू डिलीवर द मैटेरियल्स नीडेड टू अलाउ, जहाँ जहाँ हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है हीलिंग उपचार करने की टू टेक प्लेस, उस स्थान को भी उस जगह को भी जो है योग्य बनाता है। बट ऑल्सो एक्टिवेट द लिम्पैथेटिक सिस्टम, ये होता है लसिका तंत्र बच्चों, क्या होता है लिम्पैथेटिक, लसिका तंत्र को भी हमारे शरीर में तैयार करता है टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, तैयार करता है बिल्कुल मेंटेन कर देता है, रखरखाव अच्छा करता है हमारे शरीर में बनने वाला जो इम्यूनिटी पावर है रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्सेज और साथ में जो हमारे शरीर में होने वाला इन्फ्लेमेशन यानी रोग जो रोग वगैरह जो होती है ना कई स्थानों पर सूजन वगैरह आ जाती है कई उन स्थानों को भी जो है अच्छे से मेंटेन करता है, मतलब उनका रखरखाव करता है। योगा पोस्चर ऑल्सो इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ, अब योगा की मुद्राएं हमारे शरीर की मसल्स पावर मांसपेशियों की क्षमता बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन आता है, रेंज ऑफ मोशन हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो योग्य मतलब क्या करते हैं हमारे शरीर में बनने वाला जो संचलन होता है मोशन जो चलते रहते हैं उनका भी क्या करता है विस्तार कर देता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग, और ये सभी महत्वपूर्ण है इलाज के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मसल स्केलेटल डिजीज, हमारे शरीर में होने वाले कौन सी पेशियों संबंधी हड्डियों से संबंधी जितनी बीमारियां होती है उन बीमारियों से हमें बचाने का काम करता है, सच एज आर्थ्राइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये बच्चे दो होती हैं हड्डी रोग विशेषता के जो होते हैं ना ऑर्थोपेडिक्स होते हैं और शरीर में होने वाले जो बीमारियां होती है उनसे हमें लड़ने के लिए तैयार करते हैं, कमजोर हड्डियों का टूटना वगैरह जो होता है उनको क्या करता है मजबूत कर देता है योगा। देखिए आगे देखते हैं चैप्टर में दो पैराग्राफ और बचे हैं, योगा एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग कंबाइंड विद बैक बेंड, आप देखो योगा जो दबाव डालता है किसे डीप ब्रीदिंग गहरी सांस जो हमारे शरीर में गहरी सांस से हम लोग जो लेते हैं उन गहरी सांसों में जैसे कि लेने में पीठ को मोड़ना पीछे की तरफ मोड़ते ना बैक बेंड करते हैं, इम्प्रूव लंग कैपेसिटी जिससे हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है वो मजबूत होती है और इसके फंक्शन कार्य भी जो है वो मजबूती से किए जाते हैं यानी शरीर को जो मोड़ते हैं ना ट्विस्टिंग करते हैं उस तरह से। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो एनकरेज वन, बल्कि योगा का अभ्यास हमारे अंदर एनकरेज करता है हमें क्या करता है प्रोत्साहित करता है हमें वन टू लीड द हेल्दियर लाइफ स्टाइल, कि हमें अच्छे जीवन शैली को जिए थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास खुद का आ जाए, एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्या आ जाए हमारे अंदर जो होने वाले जो बिल्कुल निश्चित रूप से जो सुधार होते हैं मॉडिफाई होता है जो सुधार किए होते हैं उन सुधारों का विकास अच्छे तरीके से हमारे व्यवहार में हो जाए। तो योगा की बात चलिए बच्चों इसके अंदर और लास्ट में बताया जा रहा है कि व्हाइल योगा प्रोवाइड्स सच एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जबकि योगा क्या कर रहा है हमें एक मजबूत साथ देता है टू द बॉडी, शरीर को हीलिंग मैकेनिज्म एक तकनीकी रूप से हमारे शरीर में तकनीकी रूप से जो क्या करें क्षमता बढ़ जाती है शक्तिशाली बन जाते हैं हमारे शरीर में हील हो जाता है इलाज हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू व्यू, और ये महत्वपूर्ण विचार है व्यू बताना जो क्षमता को बढ़ा रहा है, तो महत्वपूर्ण विचारों के लिए क्या बोल रहा है योगा इज योगा एज एन एडजेंट, योगा क्या है एडजेंट, एडजेंट सभी जानते हैं जो समय देने वाला अतिरिक्त समय देने वाला, एंड कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री है किसी कमी को पूरा करने में सहायक सहयोगी जिसको कहते हैं थेरेपी, एक थेरेपी आप सभी जानते हैं जिसमें इलाज होता है रोगों का निदान करने का जो इलाज होता है वो थेरेपी है, एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज, और क्या बोलते हैं केवल हम यही नहीं कह सकते हैं कि बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए जो बीमारियां हमारे शरीर में होती रहती है कि हम केवल एक थेरेपी चिकित्सक वगैरह जो होती है ना थेरेपी इसको बोलते हैं इस थेरेपी पे ही डिपेंड रहे, बल्कि हमें हर एक प्रकार के योगाओं से योगा के द्वारा हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके हम हमारे शरीर को हील कर सकते हैं, और इस तरह से जो है हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था हाउ योगा हील्स, पीछे देखते हैं नहीं आगे कुछ भी नहीं है और लिखा हुआ है टिमोथी बार्जिन का लिखा हुआ चैप्टर है ये, और अच्छा बताया इन्होंने योगा के बारे में, ये देखिए इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं अच्छे क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा आप जब तैयार करेंगे,
आगे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा डिस्कस इन द लेसन, लेसन में जो योगा के बारे में बताया उनके बारे में आपको एक एक लाइन का पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और हाउ डज इट फंक्शन, कैसे फंक्शन करता है हमारा। तो उसमें पूरे चैप्टर में जो आपको मेन में लाइन जो है बच्चों आपको इसमें लानी पड़ेगी, और चैप्टर जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो इसी का दूसरा पार्ट आएगा वो बहुत अच्छा चैप्टर होगा, स्टोरीज का चैप्टर है बच्चों, प्योरिटी इज पावर। ये देखिए यहाँ पर जिसको हम पढ़ेंगे प्योरिटी इज पावर, बहुत अच्छा चैप्टर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी आप लोगों से, तब तक गुड डे, गुड बाय।